स्टूडेंट्स, मन विषय के ऑनलाइन चैनल में आप लोगों का स्वागत है। और मुझे पता चला है कि आप लोग तो वीडियो ऑन करते नहीं, क्योंकि मैंने व्यूज देखा है, व्यूज बहुत कम है। क्लास नर्सरी क्लास से लेकर के क्लास सेवन तक का व्यूज जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। लेकिन बच्चे जैसे जैसे सीनियर हो जाते हैं लापरवाह हो जाते हैं ना। आप पढ़ोगे नहीं तो कैसे चलेगा, पढ़ाने का तो कोई फायदा ही नहीं। तो पढ़ेगा इंडिया तभी ना बढ़ेगा इंडिया, और आप पढ़ेंगे ही नहीं तो बढ़ेंगे कैसे। तो अपने दोस्तों को भी कहिए, मित्रों को भी कहिए, वीडियो खोलें, पढ़ें और समझें। नहीं आप जो बातें नहीं समझ में आ रही हूँ नोट करते रहिए, क्योंकि जब तक आप वीडियो खोलेंगे नहीं आप पढ़ेंगे कैसे। तो पढ़िए और समझिए, क्योंकि परीक्षा तो आप लोगों को देनी है ही, और क्लास में सवाल तो पूछे जाएंगे। आज पूछे जाए, एक महीने बाद या दो महीने बाद, पर पूछा तो जरूर जाएगा। बच्चों नोट्स अपने कंप्लीट रखिए, इसमें कोई रियायत नहीं मिलेगी आप लोगों को। तो चलिए, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में हम लोग आगे की दोहे की तरफ बढ़ते हैं। परशुराम को लक्ष्मण अपनी बातों से क्रोधित कर देते हैं। परशुराम बड़े बड़े बोल बोलते हैं, लक्ष्मण को भी बहुत क्रोध आता है और उसका मजाक उड़ाते हुए कहते हैं, बेहसी लखनऊ बोले मृदुबानी अहो मुनि से महाभट मानी। लक्ष्मण हंस करके बोले, मृदुबानी में हंस रहे हैं, मजाक भी कह रहे हैं लेकिन सॉफ्ट वॉइस में, अहो मुनि से महाभट मानी। अरे महामुनि, आप तो बहुत बड़े योद्धा हैं। महाभट मानी, पुनि पुनि मोही दिखाव पिठारू, चहत उड़ावन फूकी पहारू। आप बार बार मुझे अपना फरसा दिखा रहे हैं, इसे काट देंगे काट देंगे। हे महामुनि, आप तो फूंक मार कर पहाड़ को उड़ा देना चाहते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे लोग, आप तो अभी तक पाला ही नहीं पड़ा है महायुद्धा से, मेरे जैसे सूरवीर से पाला ही नहीं पड़ा है, और आप जो फरसा दिखा दिखा करके मुझे बार बार डराने की कोशिश कर रहे हैं, मैं तो उसे डरने वाला हूँ नहीं। यहाँ कुंवर बतिया को नहीं जे तर्जनी देखे मर जाए। हे महामुनि, यहाँ पर कुंवर बतिया, कुंवर कोहड़ा जो होता है ना, कद्दू कद्दू कोहड़ा जो फल लीफ होता है ना, उसको कहा जाता है कि इसे तर्जनी तर्जनी उंगली, तो इसे उंगली दिखाने से वो मुरझा जाता है, उतना ही बड़ा रहता है, बढ़ता नहीं। तो इसी उदाहरण को देख करके लक्ष्मण परशुराम से कहते हैं कि यहाँ कुंवर बतिया को नहीं जे तर्जनी देखी मर जाएंगे। यहाँ पर कोई कुंवर बतिया तो है नहीं जो आप उंगली दिखाएंगे आप मर जाएगा। आप वीर हैं तो मैं भी वीर हूँ। देख ही कुठारू सरासन बाना, मैं कुछ कहा सरिस अभिमान। आपका तो अजीबो गरीब वेशभूषा देख के मैं सोच में पड़ गया हूँ। एक तो आपने ऋषि मुनियों के तरफ भगवा वस्त्र धारण किया हुआ है, और दूसरे में आपने अस्त्र शस्त्र भी धारण किया है। तो मैं आपको मुनि समझूँ या योद्धा समझूँ, मैं तो उसी पेशो पेश में पड़ा हुआ हूँ कि मैं आपको समझूँ तो क्या समझूँ। जो कछु कहा सहित अभिमान, और इसी वेश को देखकर तो मैंने ही अभिमान पूर्वक कुछ बातें आपसे कही है। भृगुसु तो समझी जने बोलो कि जो कछु कहूँ रहो सहो ऋषि के। हे महामुनि, आपके जनेऊ को देख करके भृगुसुत समझी जनेऊ बिलो की, भृगुसुत ब्राह्मण, जनेऊ बिलो की, आपके जनेऊ को देख करके मैंने आपको ब्राह्मण समझा। इसलिए अब जो मैं कहने जा रहा हूँ वो अपने क्रोध को रोक कर, क्योंकि आप में तो क्रोध ही क्रोध भरा हुआ महामुनि, आप अपने क्रोध को रोक कर ध्यानपूर्वक मेरी बात को सुनिए। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। हे महामुनि, हमारे कुल की परंपरा है कि सुर मतलब देवता, महिसुर ब्राह्मण, हरिजन, हरिजन मतलब ईश्वर का भक्त, अरुगाई और गाय, ये चार इन चारों पर हम लोग अपनी वीरता नहीं आजमाते। बधे पापु अपकीर तिहारे, मार तो रूपा पर ये तुम्हारे। हे महामुनि, क्योंकि इन चारों से अगर हम लोग युद्ध करते हैं और अगर हम हमारे हाथों इनकी हत्या हो जाती तो हमारे कुल को कलंक लगता है। माँ रतु बदे पाप अपकीर्ति हर, अगर इनका वध हो जाता है तो हमारी कुल की बदनामी होती है, और अगर हम इनसे हार जाते हैं तो हमारी बहुत बदनामी होती है, हाँ हमारी अपकीर्ति होती है। तो हे महामुनि, मैं आपको दूर से ही प्रणाम कर रहा हूँ, क्योंकि हम लोग सुर महिसुर हरिजन अरुगाई इनके हमरे कुल इन पर नसुर, हम इन चारों पर देवता ब्राह्मण ईश्वर का भक्त और गाय पर हम लोग अपनी वीरता नहीं आजमाते, इसलिए हम युद्ध नहीं करेंगे। तो अगर इतनी बातें किसी और ने कही होती तो मैं आप तो उसका काम
तमाम कर दिया जाते हैं। कोट इक्वली से सब वचन तुम्हारा बैठ धरह बान कुटर। हे महाभूमि, आपके जो बोल हैं इतने कड़वे कड़वे बोल हैं, इतने कठोर कठोर वचन आप बोल रहे हैं। आपके तो वचन सुनकर कम कमजोर दिल वाला तो सुनकर ही मर जाएगा। तो आपने तो बेकार ही अस्त्र शास्त्र को उठाना धारण किया। कोट इक्वली से सब वचन हो तुम्हारा, आपके जो वचन है कड़वे बोल, ये तो करोड़ों अस्त्र के समान है। आपने तो बेकार ही धनुष कुठार आई धनु बाण कुठारा धारण किया। अगर जो बिलो की अनुचित कहूँ चम हूँ महामुनि गिर सुनी सरस भृगुवंश बनी बोले गिरा गण। हे महामुनि, इतना सब सुना करके और लक्ष्मण कह रहे हैं कि हे महामुनि, अगर मैंने कुछ ज़्यादा कर दिया तो आप मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और इतना सुन करके परशुराम का क्रोध और ज़्यादा बढ़ उठता है। अगले पाठ में हम लोग फिर पढ़ेंगे परशुराम इसके इसका क्या उत्तर देते हैं। तब तक के लिए आपका होमवर्क है, रीड चैप्टर 2 अप टू डॉट एंड लर्न चैप्टर 10 नेताजी का चश्मा क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए खुश रहिए, धन्यवाद।